अक्सर हम ब्रेकफास्ट के लिए क्विक और हेल्दी रेसिपी बनाने की कोशिश करते हैं। हमारी आज की रेसिपी बहुत ही क्विक, हेल्दी और डिलीशियस ब्रेकफास्ट रेसिपी है। आज हम बनाएंगे एग रोल्स, तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रोल के लिए आटा लगाएंगे। इसके लिए हम एक डिश में 1.5 कप के जितना मैदा लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। इसे हम अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटा गूंदेंगे। हमें ये आटा बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, मीडियम सॉफ्ट लगाना है। हम इसमें ऊपर से 1 टीस्पून के जितना ऑयल लगाकर अच्छे से एक बार हम इसे गूंद लेंगे। अब हम इस आटे को 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। अब हम एग रोल की स्टफिंग तैयार करेंगे। अब हम एक मिक्सिंग बोल में 1 अनियन के स्लाइसेस डालेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमेटो स्लाइसेस, चॉप ग्रीन चिलीज, चॉप कोरिएंडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। ये हमारी एग स्टफिंग रेडी है। ये थोड़ा सा पोर्शन आटे का लिया है, अब हम इसे बेल लेंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। अब हम इसे अच्छे से बेल लेंगे। हमें ये इतना पतला रोटी की जैसे बेलना है। अब हम इसे एक तरफ साइड में रख देंगे। इसी तरह से हम दूसरी चपाती बेल लेंगे, भी हम एक तरफ साइड में रखेंगे। एक मिक्सिंग बाउल में 3 एग डालेंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून के जितना सॉल्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। अब हम इन सबको अच्छे से बीट करेंगे। सबसे पहले हम पैन को ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे। अभी हमारी रोटी हम सेकेंगे। इस टाइम पे हमें हमारी फ्लेम को मीडियम ही रखना है। इस तरफ से भी हम हल्का हल्का ऑयल लगा लेंगे। अब हम एक बार रोटी को पलट लेंगे। अब हम ये बीट किया हुआ एग हम रोटी पर डालेंगे। अब हम इसे एक बार पलट लेंगे। अब हम इस पर थोड़ा सा मेयोनीज स्प्रेड करेंगे। अब हम इस पर ये अनियन और टमेटो की स्टफिंग डालेंगे, ये थोड़ा सा टमेटो केचप। अभी हमारा रोल बनकर तैयार है। अब हम इसे अच्छे से रोल करेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।